बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल शीदन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो फाइव नंबर हैं इन्हीं का हम लोग सम लेते हैं। सम लेने के लिए हम लोग, ये तो हो गया हमारे पास नंबर प्रिंट का, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल के सी से हम लोग जो है इसको कमांड में कमांड करते हैं, इसका कंट्रोल के सी। अब हम लोग प्रोग्राम कौन सा बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सम करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा इंट सम इक्वल टू जीरो। सम का वेरिएबल चाहिए मुझे, उसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। अब सेम फार्मूला वही यूज करेंगे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाला, सम सम इक्वल टू सम प्लस ए लिख देंगे। और उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसके अंदर मैं सम लिख दूंगा। अब मेरे पास होगा क्या, अब मैं मेरे पास ये नंबर आ जाएंगे वन से लेकर फाइव तक। जो यहाँ पर अब मैंने फार्मूला क्या लगाया है कि सम इक्वल टू सम प्लस ए, यानी कि जो नंबर मेरे पास पहले आएगा वन आएगा, वन क्या होगा वो सम के पास चला जाएगा, फिर ये सम के पास होगा, ये सम के पास वन वन आ जाएगा, फिर मेरे पास जब टू नंबर आएगा सम में ऑलरेडी कौन सा नंबर मौजूद है वन, तो फिर टू के अंदर ऐड होकर क्या हो जाएगा थ्री, फिर थ्री होगा, फिर मेरे पास नंबर आएगा फोर, फोर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर इस तरह से इसकी एडिंग चलती रहेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो सम में आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर जो है वो 15 आ चुका है। आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 15। अब ये तो हमारे पास वो आंसर आया जो हमारे पास ऑटो लिखा हुआ है, हमने लगा दिया। अगर अब यूज़र अपनी मर्जी से देना चाहे उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको सबका दोबारा से कॉपी करें, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल के सी कर दें, कमांड्स में चला गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यूज़र से वैल्यू गेट करनी है, यूज़र से इनपुट लेनी है और उनका आप लोगों ने सम निकालना है, यूज़र से जो इनपुट लेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल वी करने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे बी का। तो अब ये वेरिएबल जो लेंगे हम लोग, अब इस सम को जो है ब्रेक कर देते हैं कमेंट्स में। तो अब ये बी क्या करेगा, बी जो होगा इसके अंदर फाइव टाइम जो है एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि फाइव टाइम वैल्यू को गेट करेगा। क्यों गेट करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है और हम लोगों ने इसको इस ब्रैकेट हमने लगा दिया। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि ए को जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। किस तरह, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए कंसोल डॉट टू इंट, कंसोल डॉट टू हमारे पास कंसोल नहीं सॉरी कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ये हमारे पास आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मेरे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसी ए को जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं। अब मैं इसको लिखने का आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा। जब आप ए को लिखेंगे, आपने वाइल के अंदर कंडीशन लगा दी कि भाई ए जो है वो फाइव तक हो, फाइव से कम ही हो, फाइव से ऊपर ना हो। अब आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना कि जैसे ही मैं सेम एज इट, जैसे ही मैं एट पे प्रेस करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो रुक जाएगा, अब आगे वैल्यू जो है वो लेगा ही नहीं। अब इसने वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि ए जो है हमारे पास ऑलरेडी हमने बता दिया कि फाइव से अबव ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करते हैं उसको एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जो बी होता है, हमने लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग इसके अंदर कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटर वैल्यू या इंटर नंबर, तो इसको हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास देखते हैं कि इसका, अब हम लोग जो है चाहे डायरेक्ट ही हम लोग फाइव इंटर कर दें, कोई इशू नहीं है, 78 कर दें, 94 कर दें, अब ये फाइव टाइम तक हमसे वैल्यू जो है वो गेट करता रहेगा।
तो अब इसने 5 टाइम तक वैल्यू गेट की। तो अब हम लोगों ने ये जो वैल्यू यूजर से गेट किया, अब इसको सम कराने के लिए हम लोगों ने इसको रिमूव करना है और इसी को यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है। बी को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ए को नहीं लिखेंगे, बी को लिखेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर बी को लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग इसको डबल में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम इक्वल टू लिखेंगे और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, ये हमारे पास एरर, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने सम नहीं डाला। तो अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर, अब लोग हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने वैल्यू दे रहा हूँ 5 से अबव भी वैल्यू दे रहा हूँ और 5 से जो है वो कम भी वैल्यू इसके अंदर जो है वो इंटर कर रहा हूँ। इसको फिर से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से इस तरह से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जस्ट इसको इसी कोई एक ही वैल्यू, अगर यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर भी अगर आप ए दे देंगे तो ये ए 5 से अबव वैल्यू गेट नहीं करेगा, 5 से नीचे नीचे जितनी वैल्यू होंगी उस वैल्यू को गेट कर सकेगा। तो हम लोग जो है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। मैं जो है 5 से अबव जा रहा हूँ, तो मेरे साथ देख सकते हैं आप इसका आंसर जो हमारे पास आ गया 251 आ गया।